हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी वीडियो 10 बजे आती है, लेकिन ये वीडियो मैंने थोड़ा पहले बनाई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स 9:30 बजे जो है वीडियो हमारी स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इतने स्टूडेंट हैं वो आ जाइए लाइव, और देखिए क्या इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि RRB JEE के लिए, RRB आपका अगर FCI का एग्ज़ाम है उसके लिए, और जितने भी RRB के एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी के लिए, और SSC एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए फ्रेंड सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी की जल्दी जल्दी से जाइएगा, और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं कौन कौन आता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये लाइव शेड्यूल है हमारी वीडियोज़ का, तो आप इसको आराम से देख लीजिए। जब तक स्टूडेंट आएंगे फ्रेंड, तब तक जो थोड़ा सा मैं आपको ये शेड्यूल बता दूं। देखिए शेड्यूल जो है करंट अफेयर है सुबह, लेकिन आपको मिलेगा वीकली करंट अफेयर मिलेगा वो, ठीक है ओके। और आपको मैथ की क्लास, जैसे कि सभी को पता है 8:30 बजे आती है हमारी मैथ की क्लास, जिसमें आपको टाइम डिस्टेंस एंड जो ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन है वो कराए जा रहे हैं, ठीक है ओके। और कल से, यानी कि कल नहीं, ठीक है कल तो ट्रेन ही चलेगा, उसके बाद जो रहेगा और भी वीडियोस रहेंगी, मतलब कि जो चोर पुलिस वाला रहता है वो आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए, रिक्वेस्ट है कि सभी से कि आप थोड़ा वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्या है, चलिए पहला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन आंसर बताइएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, हीरे कैरेट के रूप में तोला जाता है, एक कैरेट किसके बराबर होता है, चलिए बताइएगा एक कैरेट किसके बराबर होता है, आंसर दीजिएगा मुझे, क्या रहेगा आपका आंसर, कमेंट करिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर कमेंट करिएगा। एक कैरेट कितने बराबर के, कितना बराबर होता है, आंसर करंट कहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर दीजिएगा। एक कैरेट कितने के बराबर, कितने मिलीग्राम के बराबर रहता है, आंसर कमेंट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं किस किस का आंसर जल्दी से लिए आता है, आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है ओके। थोड़े से क्वेश्चन रिवाइज होंगे आपके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। और आपको फिर से आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे 20-22 क्वेश्चन के बाद में, जो कम से कम हमारे पास हैं 100-150 क्वेश्चन है, वैसे तो होने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है चलिए आंसर कमेंट करिएगा ओके। चलिए आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड रहेगा, 200 मिलीग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि देखिए यार आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा लोह अयस्क है, कौन सा जो है लोह अयस्क है, आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। पांडे जी वेरी गुड, चलिए आंसर कमेंट करिए क्या रहेगा ओके। पांडे जी बहुत बढ़िया, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, चलिए कमेंट करिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑप्शन आ गया थर्ड, वेरी गुड एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो है हम स्पीड में पढ़ेंगे तो बिल्कुल सही है, ग्रेनाइट और लिग्नाइट जो लिमोनाइट जो रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू जो रहेगा सॉरी टू और थर्ड, टू और वन यानी कि वो बिल्कुल सही है, ठीक है राज ओके बिल्कुल ऑनलाइन फ्री स्ट्रीम में स्वागत है राज जी। चलिए इसके बारे में अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने है, एक ड्यूअर्स फ्लास्क, ठीक है ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे वो बता दूंगा आपको। देखिए ये जो वीडियो है वो उससे कुछ क्वेश्चन है और कल के हैं, ठीक है जितने भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के रिवाइज रहेंगे वो क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद देन हम जो वीडियो कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है प्लूटोनियम परमाणु बम का जो उत्पादक है वो कौन से, उत्पादक किससे किया जाता है, चलिए बताइएगा प्लूटोनियम परमाणु बम का उत्पादन किससे किया था, ऑप्शन आ गया 2, पांडे जी वेरी गुड एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, प्रतीक जी ऑप्शन आया 2, बहुत अच्छे एनी वन। फ्रेंड जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को, पूरा वीडियो देखेगा और अंत तक वीडियो देखेगा, ऑप्शन है राज जी, मैंने आपका आंसर देख लिया, यूरेनियम 238 रहेगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक सुरक्षित माचिस की नोक पर जो नोक होती है वो किससे बनाई थी, माचिस जो होती है उस पर जो माचिस की नोक रहती है यानी जिससे जो ज्वलनशील जो पदार्थ रहता है वो किससे बनाया जाता है, चलिए बताइएगा ओके। MAG आपका मुझे नाम शो नहीं हो रहा, प्लीज़ मुझे नाम बताइएगा, ठीक है। और चलिए आंसर कमेंट करिए क्या रहेगा आंसर, कमेंट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ, चलिए आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आ रहा है पांडे जी 4, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा, चलिए आंसर दीजिएगा क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन आ रहा है राज जी ऑप्शन थर्ड कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 4 रहेगा, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। एंटोमनी गोंद पाउडर, ठीक है, और पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, ये सभी जो है मिक्स रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, गेमिक्सन DDT और ब्लीचिंग जो ब्लीचिंग पाउडर है उसके महत्वपूर्ण यौगिक कौन से हैं, तो बताइएगा इन तीनों के महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा है, आंसर कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा क्या होने वाला आंसर, चलिए जल्दी से कमेंट करिएगा फ्रेंड्स क्या हो सकता है आंसर।
बताइएगा क्या हो सकता है आपका आंसर, जल्दी से कमेंट करिएगा। ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। ये रहेगा ऑप्शन वन, ठीक है। क्लोरीन इसमें मुख्य तत्व रहता है, महत्वपूर्ण यौगिक रहता है, ऑप्शन वन। पांडे जी बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, पूरी डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन से गुजरता है, यानी कि सब लिमिनेशन ऑफ हीटिंग से गुजरता है। चलिए आंसर कमेंट करिएगा, क्या रहेगा आंसर कमेंट करिएगा, देखते किस किस का आंसर आता है, जल्दी से कमेंट करिए फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। ऑप्शन आ रहा राजी, वेरी गुड। चलिए यहाँ पर ऑप्शन रहेगा फोर, क्या रहेगा फोर रहेगा एक, यानी कि ऑप्शन ए बी सी तीनों आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, ए बी सी तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इनमें से कौन सा रस अग्नाशय से स्त्रावित होता है, अग्नाशय से कौन सा रस स्त्रावित होता है, चलिए बताइएगा, ट्रिप्सिन पेप्सिन पित्त या ऑप्शन ए और बी दोनों सही रहेंगे। चलिए आंसर कमेंट करिएगा, दिखाइए बती जल्दी से कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा क्या है, वीडियो हम स्पीड में करने वाले हैं, जो 50 क्वेश्चन है 30 कम से 20-25 जो क्वेश्चन है वो स्पीड में करेंगे क्योंकि वो रिवाइज क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आंसर रहेगा ऑप्शन फोर रहेगा, ऑप्शन यानी कि वन और टू, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसके बारे में अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये रहा आपके पास एक और क्वेश्चन पूछा है, जो आपको दिए हैं कुछ कथन दिए हुए हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं। रेडॉन भारी गैस होती है, क्या होती है या नहीं होती है। ओके पूनम जी बिल्कुल गुड इवनिंग, और सभी के लिए गुड इवनिंग। तो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, तीन जो है कथन दिए हुए हैं या कहें स्टेटमेंट दिए हैं, क्या वो सही हैं या गलत हैं, आपको यहाँ पर ऑप्शन ए वन टू थ्री में मुझे आंसर देना है, या बी सी डी में आंसर दीजिएगा, क्या रहेगा आंसर कमेंट करिए। चलिए जल्दी से कमेंट करिएगा क्या रहेगा। ओके यहाँ पर ऑप्शन रहेगा फोर, सारे के सारे सभी सही हैं। रेडॉन भारी गैस है, बिल्कुल सही है। एस्ट्रिन पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ तत्व है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्रेफाइट जो अधातु है लेकिन वह सुचालक भी है, क्या है ग्रेफाइट, क्या है अधातु है लेकिन फिर भी क्या है वो सुचालक है विद्युत की। चलिए अगला क्वेश्चन, पौधे में कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या संग्रहित होता है, ये मैंने कल भी बताया था। देखिए मनुष्य में कुछ और रहता है, और देखिए मनुष्य में क्या रहता है, स्टार्च रहता है। जब मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च रहता है तो आप पौधों में क्या रहेगा, चलिए बताइएगा पौधों में क्या रहेगा, आंसर कमेंट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से आंसर कमेंट करिए, ठीक है। मैक्सिमम 10 सेकेंड आपके पास, ठीक है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर टू, स्टार्च आ रहा है, क्या रहेगा स्टार्च रहेगा, ग्लाइकोजन, सॉरी यहाँ पर स्टार्च रहेगा पौधों में, ठीक है। और जो मनुष्य में क्या है, ग्लूकोजन रहेगा, ठीक है। मनुष्य में क्या रहता है, ग्लूकोजन रहता है, और स्टार्च रहेगा किसमें, पौधों में रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लिखी हैं ऑलरेडी, मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन यहाँ पर मैं रिवाइज कर रहा क्वेश्चन, इसलिए इस चीज़ में करेंगे, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण में किस तत्व का प्रयोग किया था, प्रोटीन संश्लेषण में किस तत्व का उपयोग किया था, चलिए आंसर कमेंट करिएगा, क्या रहेगा आंसर कमेंट करिए, जल्दी से बताइए क्या रहेगा आंसर, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिएगा फ्रेंड। देखिए मैं डेली सुबह 10 बजे और रात में 10 बजे जो है वीडियो कराता हूँ, लेकिन क्या है एक्चुअल में आज थोड़ा जल्दी मैंने कराई है, इसका कारण भी है। ऑप्शन आ रहा है फोर, बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मुकेश जी, बिल्कुल हेलो मुकेश जी। ऑप्शन थर्ड नहीं रहेगा, ऑप्शन फोर रहेगा, पांडे जी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, राजकुमार सलीम सम्राट जो है किसका नाम था, राजकुमार सलीम सम्राट किसका नाम है, पूनम जी बिल्कुल सही था, फोर वाला यहाँ पर राज जी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12 है स्क्रीन पर, बताइए राजकुमार सलीम सम्राट का नाम क्या था, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, आंसर कमेंट करिएगा, क्या रहेगा, वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। थर्ड ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड पांडे जी, चलिए आंसर कमेंट करिएगा, और भी कोई आंसर कमेंट करेगा, नहीं आ रहा किसी का आंसर, ऑप्शन रहेगा थर्ड, जहांगीर बिल्कुल सही है, मुकेश जी पांडे जी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बारे में, जहांगीर का जो झांकी जो कौन सा मुगल सम्राट के चौथे शासक थे, और इन्होंने कहाँ से कब तक जो है शासन किया, ये इंपॉर्टेंट है, 1605 से लेकर 1627 तक, बिल्कुल सही है। ओके यहाँ पर आलम जी बिल्कुल सही, और यहाँ पर पूनम जी बिल्कुल सही, अनिल जी बिल्कुल सही, अनिल जी ऑनलाइन फ्री में स्वागत है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, किस समिति ने बीसीसीआई के कामकाज और संरचना में बदलाव की सिफारिश की है, बीसीसीआई के कामकाज और संरचना में जो है बदलाव करने की सिफारिश किस समिति ने की है, चलिए आंसर कमेंट करिएगा, बताइएगा क्या रहेगा आंसर, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, देखते किस किस का आंसर आता है।
ओके अनिल जी, पूनम जी, आलम जी, राज जी, मुकेश जी, पांडे जी, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। मुकेश जी ऑप्शन 4 आया, बिल्कुल सही। लोडा कमिटी यहाँ पर रहेगा, समिति रहेगा, बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा 4, बिल्कुल सही है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 10 सेकंड आपको मिलेंगे मैक्सिमम। इसको क्वेश्चन को आंसर पढ़िए और जल्दी से आंसर बताइएगा, ठीक है। ये पूरी डिटेल्स लिखी हुई है जो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। ये सारी समितियाँ हैं जो इंपॉर्टेंट है, चार ऑप्शन थे उनके बारे में ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज का संस्थापक है? प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है? आंसर कमेंट करिएगा, देखते हैं किसका सही है। बिल्कुल ओके पांडे जी, बिल्कुल सही है। राज जी आपका भी सही था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 14 नंबर, और आंसर बताइए। 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आंसर बताइएगा क्या रहेगा, और थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए, चलिए ठीक है। चलिए आंसर दीजिएगा क्या रहेगा, नहीं आ रहा, यहाँ पर आएगा ऑप्शन 2, बिल्कुल सही है पांडे जी, बिल्कुल सही। यहाँ पर आएगा आत्माराम पांडुरंग रहेगा। चलिए ये सारी चीज़ है वो स्क्रीनशॉट लेना है, ये सारा चीज़ है स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन इसके बारे में, सारी सारी अनिल जी यहाँ पर ऑप्शन 2 था, ठीक है। ये सारी सारी समितियाँ हैं, सारी सारी समितियों की डेट लिखी हुई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अफ्रीका के घास के मैदान को किस रूप में जाना जाता है? अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? चलिए बताइएगा क्या कहेंगे अफ्रीका के घास के मैदान को। सभी को पता होगा ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ कम से कम 4 से 5 बार, ठीक है। आप सोच रहे हो 4 से 5 बार क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आता है, आपको कंफ्यूज करता है। ऑप्शन आ रहा है 2, लेकिन यहाँ पर रहेगा सवाना। तो पंपास किसे कहते हैं, सब कुछ ये सवाना किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ आपको इस स्क्रीन में दिख रही है आपकी स्क्रीन पर, तो इसको स्क्रीन शॉट लीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है मे बी आपके एग्जाम में, ठीक है। सवाना बिल्कुल सही है, पूनम जी, पांडे जी बिल्कुल सही है, ओके यहाँ पर ओके बिल्कुल सही, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, केंद्रीय बजट हमेशा पहले कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? क्वेश्चन है राज्यसभा, लोकसभा, संसद, किस में जो है केंद्रीय बजट सबसे पहले पेश किया जाता है? चलिए आंसर दीजिएगा क्या रहेगा। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए अली से अनिल जी ऑप्शन 1, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर ओके मुकेश जी ऑप्शन 1, लोकसभा ओके बिल्कुल, पांडव ओके पांडव, शाहजी बिल्कुल ऑप्शन आ रहा है 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आएगा 1। पूनम जी बिल्कुल सही, सबसे पहले करा अनिल जी ने और उससे पहले करा, ठीक है। अनिल जी और मुकेश जी बहुत बढ़िया, पांडे जी बिल्कुल सही है, राज जी बिल्कुल सही है, ठीक है। पूनम जी आपका भी सही है, आप लोकसभा रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर एस्चुरी का नाम बताना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा है, सीमा पर क्या है? एक एस्चुरी है, और एस्चुरी का नाम बताना है। चलिए आंसर कमेंट करिएगा। मौसम जी बहुत बढ़िया, चलिए आंसर बताइएगा क्या रहेगा। चलिए आंसर कमेंट करिए। पूजा जी मौसम ओके, पूनम जी मौसम जी, राज जी स्वपन ओके, सुमन पांडे जी, मुकेश जी, अनिल जी, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे क्या रहेगा। आंसर कमेंट करिए जल्दी से आंसर बताइएगा। ओके पांडे जी ऑप्शन 2, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा। क्रिक आ रहा है ओके सर, क्रिक आ रहा है ओके बहुत बढ़िया। साजी और पांडे जी बहुत बढ़िया, यहाँ पर रहेगा सर क्रिक, बहुत अच्छे, यहाँ पर ऑप्शन 2 रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछने वाले हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है ओके। वो तो देखिए सभी को पता है भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु कोई भी नहीं रहती है, जितनी बार वो जीतेंगे उतनी बार जो है उनको बना सकते हैं, उनकी पार्टी पर डिपेंड करेगा वो कितनी बार उनको जो है प्रधानमंत्री बनाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछेंगे, ये आपके सामने, बुलंद दरवाजे में स्थित है, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है, किस जगह पर स्थित है? ये आपको 4 नाम दिए हुए हैं, चलिए बताइएगा कहाँ पर है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? चलिए किस राज्य में है बुलंद शहर, बुलंद दरवाजा? चलिए आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा, जल्दी से आंसर कमेंट करिए, देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है। ऑप्शन आ गया पांडे जी, वेरी गुड। एनी वन ओके पूनम जी थर्ड ओके शाहजी, ऑप्शन आ रहा है यूपी, बिल्कुल सही है यूपी रहेगा, बिल्कुल सही है, कहाँ रहेगा यूपी रहेगा, और ये अकबर द्वारा बनाया गया था 1601 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, लिखा है कौन सा संविधान संशोधन जो है अधिनियम संसद के सदस्यों के अयोग्यता के लिए प्रदान किया था, यानी कि उनकी डिसक्वालिफिकेशन के लिए पार्लियामेंट्स मेंबर्स के लिए दिया जाता है, प्रोवाइड किया था डिसक्वालिफिकेशन के लिए? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा। ओके बिल्कुल यूपी सही था, बिल्कुल सही था यूपी, ठीक है ओके राज जी बिल्कुल सही था। अगला ओके साथ ही ऑप्शन आ रहा है 73, वेरी गुड। एनी वन ओके पांडे जी ऑप्शन 2 आ रहा है, बहुत अच्छे पांडे जी, चलिए, और राज जी बिल्कुल 2 बिल्कुल सही। चलिए 8 जो आएगा अमेंडमेंट नंबर आएगा आपका 52, ठीक है 52 रहेगा। पूनम जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यानचंद्र जो है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा आपका आंसर, चलिए जल्दी से करिएगा। कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, तो जल्दी बताइएगा क्या रहेगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा आपका आंसर, देखते हैं किस किस का आंसर आता है और कितने लिया था। ऑप्शन आ गया है साजी ऑप्शन 4, मुकेश जी ऑप्शन 4, यहाँ पर आएगा ऑप्शन 3, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में हुआ 29 अगस्त 1905 को, ऑप्शन 3 रहेगा, ठीक है ऑप्शन 3। पूनम जी बिल्कुल सही है, 29 अगस्त 1905 उत्तर प्रदेश, ठीक है।
ओके इनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो ये ज़्यादा ज़्यादा जो कि आपको पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं आपको पीडीएफ जो है कल के डेट में इसकी प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब लाल गर्म कोक पर वाष्प पारित किया जाता है तो हमें क्या मिलता है। चलिए हमें क्या मिलता है, चलिए बताइएगा क्या रहेगा आंसर, कमेंट करिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आरआरबी जेई में देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर पांडे जी का थर्ड, वेरी गुड एनीवन। ओके अनिल जी ऑप्शन टू कर रहे हैं, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन रहेगा वन, यहाँ पर आपको सिर्फ वाटर गैस मिलेगी, ठीक है वन बिल्कुल सही है, पांडे जी बिल्कुल सही है, वन ही रहेगा, ठीक है ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप, 100 डिग्री सेल्सियस भाप की वजह से उसी तापमान पर पानी की तुलना में अधिक गंभीर जलन देता है। तो भाप जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर भाप में अगर हाथ डालें तो ज़्यादा ज्वलनशील होगा, लेकिन पानी में डालेंगे तो ज़्यादा ज्वलनशील नहीं है, ऐसा क्यों है ये बताना है हमें, कमेंट करिएगा और आंसर दीजिएगा क्या रहेगा। चलिए जल्दी से कहिएगा शाहजी ऑप्शन वन, वेरी गुड एनी वन को ये आंसर कमेंट करेगा क्या रहेगा। चलिए पूरे ऑप्शन पढ़िए आंसर, जल्दी से ऑप्शन पढ़िए, पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं भाई इसमें, ठीक है कोई भी ऑप्शन जो है आपको लग सकता है कि ये गलत है या सही ऑप्शन आ गया। मुकेश जी ऑप्शन फोर बोल रहे हैं 100%, ओके वेरी गुड एनीवन कोई आंसर करेगा, यहाँ पर आ गया पांडे ही, यहाँ पर बिल्कुल सही है मुकेश जी, बहुत बढ़िया, यहाँ पर बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही, यानी कि भाप अधिक ऊष्मा प्रदान करता है। सुपर हीटेड स्टीम के बारे में सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना है तो उसको जरूर पढ़िएगा सुपर हीटेड स्टीम को। अगला क्वेश्चन है, सिरका में मौजूद कार्बनिक एसिड होता है, सिरके में मौजूद कार्बनिक एसिड कौन सा होता है, चलिए बताइएगा, चलिए आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेट चेंज हो चुका है, चलिए आंसर दीजिएगा। ओके आलम जी ऑप्शन टू, वेरी गुड एनीवन, ओके शाह जी ऑप्शन वन, ओके अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिएगा वीडियो को, ठीक है। मुकेश जी ऑप्शन फोर बोल रहे हैं, यहाँ पर रहेगा फोर, बिल्कुल सही, यानी कि एसिटिक एसिड और एंथेनोक एसिड, बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा फोर, यानी कि वन और टू दोनों के दोनों एसिड सिरका में पाए जाते हैं, यानी कि विनेगर में पाया जाता है, ऑप्शन रहेगा फोर, बिल्कुल सही। मुकेश जी और पांडे जी बिल्कुल सही है, और राज जी बिल्कुल सही, ठीक है ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह जो समय के निश्चित अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेता है उसे क्या कहते हैं। ओके विद्युत आपको पता होगा, विद्युत कैसा विद्युत प्रवाह कैसा होता है, एसी डीसी होता है, तो एसी डीसी जो होता है वो आपको पता है एक निश्चित अंतराल में जो है वो अपनी दिशा बदल लेता है, तो कौन सा रहता है, चलिए बताइएगा। राज जी गुड इवनिंग, बिल्कुल, चलिए संतोष जी ऑप्शन थर्ड आ रहा है, वेरी गुड एनीवन कोई आंसर कमेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा। फ्रेंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, ऑप्शन आ गया शाह जी ऑप्शन थर्ड, पांडे शाह थर्ड, मतलब लगभग सभी का थर्ड आ रहा है। पूनम जी बिल्कुल सही, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट, यहाँ पर रहेगा अल्टरनेटिव करंट, बिल्कुल सही, डायरेक्ट करंट अलग चीज है, अल्टरनेटिव करंट अलग चीज है, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन थर्ड लगभग सभी का आंसर सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया, 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी दुनिया का पहला गणराज्य कहाँ था, या रिपब्लिक पहला वर्ल्ड का जो है पहला रिपब्लिक कौन सा था, आंसर बताइएगा क्या रहेगा। वैशाली में, एथेंस में, स्पार्टा में, या पाटलिपुत्र में, तो आंसर आ गया ऑप्शन वन, वेरी गुड पांडे जी, चलिए आंसर कमेंट करिएगा। ओके मुकेश जी ऑप्शन टू, ओके एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा, चलिए से आंसर कमेंट करेगा, फोर आ रहा है लेकिन नहीं रहेगा फोर, आंसर आएगा वन, पांडे जी वैशाली बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन है तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम की चीज़ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर में, क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन बिल्कुल सही था आलम जी वन, अगला क्वेश्चन पढ़िए, एक मानव सामान्य शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कुल संख्याएं कितनी रहती हैं। चलिए कुल संख्या बताइए, मानव शरीर में लाल जो रेड ब्लड सेल रहती हैं उसकी कोशिकाएं कितनी रहती हैं, आंसर कमेंट करिएगा। ओके देखते हैं किसका आगे, ऑप्शन फोर आ गया, वेरी गुड यहाँ पर, ओके पांडे जी मुकेश जी बहुत बढ़िया, यहाँ पर आएगा फोर, 30 ट्रिलियन बिल्कुल सही है, 30 ट्रिलियन आएगा भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, माय फादर इज अ हीरो, ओके बिल्कुल पूनम जी बिल्कुल सही है, माय फादर इज अ हीरो ये किसके जिसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, चलिए आंसर दीजिएगा क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं किस किस का आंसर आता है, चलिए कमेंट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, और आंसर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए भाई, ठीक है। यहाँ पर आएगा ऑप्शन थर्ड जो कि किसी का आंसर नहीं आया है, निशांत कौशिक ऑप्शन थर्ड, मुकेश जी बहुत बढ़िया, पांडे जी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सभी दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, कालिदास सम्मान कितने फील्ड्स में दिया जाता है, ऑप्शन वन टू थ्री में मत कीजिएगा, ए बी सी डी में आंसर करिए, यहाँ पर वन टू थ्री में समझ नहीं पाऊंगा। संतोष जी बोल रहे हैं 5 स्थानों में दिया जाता है, ओके हो सकता है 5 में, लेकिन यहाँ पर मैं अभी कंफर्म नहीं करूँगा, पहले आंसर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन थर्ड आ रहा है, ऑप्शन 5 आ रहा है, यहाँ पर रहेगा थर्ड, ये रहेगा थर्ड, मतलब 4 स्थानों में,
चार अलग अलग फील्ड्स में दिया जाता है। कहाँ कहाँ पर देखिए जो है आपको बता दूँ, देखिए कौन कौन से यहाँ पर है, देखिए दिखा देता हूँ। यहाँ पर दिए जाते हैं तो संगीत में शास्त्रीय संगीत है, शास्त्र देखिए शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और प्लास्टिक कला होती है उसमें ये दिया जाता है। ठीक है, फाइव नहीं है यहाँ पर, ठीक है ऑप्शन आएगा, ओके ऑप्शन आएगा थर्ड, फोर्थ आएगा, फोर दी फोर में दिया जाएगा। ठीक है फोर दिया जाएगा, मैंने आपको ये पूरे गिना दिए हैं कितने हैं, चार है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 63वीं फिल्म फेयर पुरस्कार मिला? फिल्म फेयर पुरस्कार से, ऑस्कर से आपको RRB JEE में क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको जरूर याद करिएगा। चलिए आंसर बताइएगा क्या है, क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर कमेंट करिएगा। चलिए अनिल जी, मुकेश जी आंसर कमेंट करिएगा। ऑप्शन आ रहा है पांडी वन, वेरी गुड एनी वन, संतोष जी ऑप्शन सी कर रहे हैं, यहाँ पर रहेगा वन, हिंदी मीडियम, बिल्कुल सही। अब जो भी स्क्रीन पर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट है, 63 वाला पूछा था मैंने, बिल्कुल श्याम जी बिल्कुल हेलो। और चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपके 63 वाला अवार्ड है, इसके बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है मौसम जी बिल्कुल सही था, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है सभी का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आप स्लाइड बताते जा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना है। ठीक है ओके चलिए अगला क्वेश्चन, नोबल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया था? नोबल शांति पीस पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है? आंसर कमेंट करेगा यादव जी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर दीजिए फ्रेंड, वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, आंसर दीजिए क्या रहेगा, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या रहेगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है वन, ओस्लो, बहुत बढ़िया। ओके नेटवर्क प्रॉब्लम है मुकेश जी, नेटवर्क प्रॉब्लम मतलब वीडियो की दिक्कत तो नहीं आ रही है? अनिश जी ऑप्शन वन बिल्कुल सही। हाँ अनिश जी, हम कल के क्वेश्चन जो है थोड़े से रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद अभी 10-15 मिनट के बाद जो है वीडियो कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है वन वन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही मौसम जी, पूनम जी, श्याम जी बिल्कुल सही है, अनिश जी बिल्कुल सही था। चलिए ओके अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य बीपी रक्तचाप का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है बीपी यानी ब्लड प्रेशर का जो है प्रतिनिधित्व करता है, तो आंसर कमेंट करिएगा ब्लड प्रेशर कितने से कितने तक हो सकता है, आंसर कमेंट करिएगा। नीचे ऑप्शन बी, वेरी गुड एनीवन, कोई और आंसर कमेंट करेगा क्या रहेगा? फ्रेंड्स वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, ऑप्शन टू आ रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन टू रहेगा। श्याम जी, राज जी, संतोष जी, अनिश जी बिल्कुल सही है, 120 से लेकर 80 तक हो सकता है। ठीक है तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सैमुअल के द्वारा दिया गया था 1881 में, ठीक है 120 से 80 बिल्कुल सही मौसम जी, श्याम जी। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका को किस वर्ष में भारत लौटने के लिए छोड़ दिया था? चलिए आंसर बताइएगा क्या रहेगा, कमेंट करिएगा जल्दी से आंसर बताइएगा क्या रहेगा। ऑप्शन आ गया वन, वेरी गुड एनी वन, कोई आंसर कमेंट करेगा, यादव जी ने सबसे पहले आंसर करा है। ओके 1915 आ गया है, वेरी गुड अनिश जी, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन रहेगा फोर, बिल्कुल सही रहेगा 1915 बिल्कुल सही है। पांडे जी, अनिश जी बिल्कुल सही है, ठीक है ज़्यादा समय नहीं लेंगे लेंगे हम, ठीक है इस क्वेश्चन इन क्वेश्चन को कराने में बिल्कुल पूनम जी। ओके श्याम जी बिल्कुल सही है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समान ऊंचाई के स्थानों में जुड़ने वाले होने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? ठीक है चलिए बताइएगा, फोर ऑप्शन बिल्कुल सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आंसर बताइएगा, चार ऑप्शन के बारे में बताऊंगा मैं और आपको चार ऑप्शन के जो है आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ऑप्शन डी आ गया, वेरी गुड भाई, ये भैया बहुत बढ़िया अनिल जी, तो आंसर रहेगा बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा आईसो हाइपर्स, बिल्कुल सही आईसो हाइपर्स रहेगा, ऑप्शन फोर रहेगा, अनिल जी बिल्कुल सही है। इनके बारे में अब जो बताने वाला हूँ वो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है सभी को स्क्रीनशॉट लेना है। फोर्थ नंबर रहेगा भैया, फोर्थ नंबर है, ये सारे स्क्रीनशॉट ले लिए, फोर्थ बिल्कुल सही है मुकेश जी, ठीक है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं ये, ठीक है ओके, क्योंकि ये ज़्यादातर पढ़ाए नहीं जाते हैं। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है, INS विक्रांत का जो है रूसी नाम क्या है? INS विक्रांत का रूसी नाम क्या है? मौसम जी बिल्कुल सही था, फोर्थ था। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 14 नंबर क्वेश्चन है, INS विक्रांत का रूसी नाम बताइए, चलिए बताइए क्या रहेगा, आंसर कमेंट करिएगा क्या रहने वाला है आपका आंसर। ओके क्वेश्चन को 10 सेकंड मिलेंगे, 10 से 15 सेकंड, ऑप्शन आ रहा है फोर, बहुत बढ़िया ऑप्शन आएगा एडमिरल नखीमोव, बहुत बढ़िया श्याम जी, बहुत सही बढ़िया। ओके बिल्कुल सही था ऑप्शन फोर, इसका 4 दिसंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है ओके ऑप्शन फोर्थ रहेगा वहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन, बिक्री कर का उदाहरण है, बिक्री कर जो है सेल्स टैक्स का एग्जाम्पल क्या है?
सेल्स टैक्स का एग्जाम्पल दीजिए। चलिए बताइए सेल्स टैक्स का एग्जाम्पल क्या होगा, आंसर कमेंट करेगा। पिछले क्वेश्चन का 4 ऑप्शन था, अनिज ऑप्शन सी बहुत बढ़िया, यादव जी ऑप्शन 1, एनी वन को आंसर कमेंट करेगा क्या रहेगा। ओके ऑप्शन 1 आ रहा है, श्याम जी यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 रहेगा, इनडायरेक्ट रहेगा। पूनम जी और पांडे जी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सही है, इनडायरेक्ट टैक्स रहता है। ठीक है चलिए बताइए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, तो 5 स्थायी सदस्यों के नाम बताइए क्या रहेगा। ओके दोबारा देखना है, देखें सर प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है ओके पांडे जी, ओके मुकेश जी अगर आप बोल रहे हैं दोबारा देखें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ेंगे वैसे तो। ठीक है चलिए आंसर बताइए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, आंसर बताइए कोई क्या रहेगा। ऑप्शन आ रहा है संतोष जी का, थर्ड आ रहा है, ओके मौसम जी थर्ड आ रहा है, पांडे जी 2 बोल रहे हैं, संतोष जी 2 बोल रहे हैं, 2 बिल्कुल सही रहेगा। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए, बिल्कुल सही है यूएसए। ओके ऑप्शन थर्ड नहीं, ऑप्शन 2 आएगा भैया, ऑप्शन 2 आएगा। ठीक है ओके चलिए बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो कहाँ पर है। चलिए आंसर बताइएगा, रूरल डेवलपमेंट की लोकेशन बताइएगा। चलिए बताइए क्या रहेगा, कमेंट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ रहा है और आंसर कमेंट करिए क्या रहेगा, और फ्रेंड वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा। चलिए आंसर दीजिएगा क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, हैदराबाद बहुत बढ़िया रहेगा, हैदराबाद बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही, श्याम जी और अनिश जी बिल्कुल सही। चलिए इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो आप देख सकते हैं, ओके संतोष जी बिल्कुल सही था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन जो उल्लेख किया गया, ऑप्शन थर्ड था, बिल्कुल सही है मौसम जी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है आपको बताना है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन आ रहा है 1, ऑप्शन अनिल जी 4 कर रहा है, वेरी गुड एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा। ओके ऑप्शन 4 आ रहा है, पांडे जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 रहेगा, 11 मौलिक कर्तव्यों का जो है उल्लेख किया गया, बहुत सही बहुत बढ़िया। श्याम जी, मुकेश जी बिल्कुल सही है, ओके मौसम जी बिल्कुल सही है, 11 बिल्कुल सही है, यहाँ पर पूनम जी 11 रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार में टूडरमल जो थे वो क्या करते थे, टूडरमल क्या करते थे अकबर के दरबार में। चलिए आंसर दीजिएगा क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है तो आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा आंसर, ऑप्शन सी आ गया, वेरी गुड, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। चलिए जलील से आंसर कमेंट करिएगा, श्याम जी ऑप्शन 4 आ रहा है, ओके यहाँ पर आ रहा है श्याम, ओके मुगे जी ऑप्शन 4, थर्ड आ रहा है दिलीप जी ऑप्शन सी, फाइनेंस आ रहा है बिल्कुल सही है, यहाँ पर आएगा फाइनेंस रहेगा बिल्कुल सही, थर्ड बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है चलिए बिल्कुल सही है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओके उर्दू जो है वो कहाँ की आधिकारिक भाषा है, उर्दू कहाँ की आधिकारिक भाषा है। तो जल्दी बताइएगा जो आधिकारिक भाषा है वो उर्दू कहाँ की है, किस प्रदेश की आधिकारिक भाषा, ऑप्शन आ गया D20 का बहुत बढ़िया निशी, ओके बाबर जी ऑप्शन थर्ड आ रहा है, चलिए आंसर कमेंट करेगा, ऑप्शन आ रहा है 4, मुकेश जी ऑप्शन आ रहा है, श्याम जी का 4, पांडे जी 4 बिल्कुल सही, जम्मू एंड कश्मीर। तो अब मैं बताने वाला हूँ किस किस प्रदेश में जो है उर्दू को राजकीय भाषा का जो है जो दर्जा दिया गया है, तो ये आपको दिखे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड नहीं है, यहाँ पर है झारखंड, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली। ठीक है यहाँ पर जो है इनको अतिरिक्त आधिकारिक भाषा के रूप में इनको दर्जा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत आता है। चलिए बताइएगा आपातकालीन जो है संविधान जो है किसके अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, कमेंट करिएगा क्या रहेगा आंसर। चलिए बताइए फ्रेंड्स क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, ओके मैक्सिमम 10 to 15 सेकेंड, ओके अनिश जी ऑप्शन आ गया सी, वेरी गुड एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा क्या रहेगा, दिलीप जी सी बहुत बढ़िया, यहाँ पर रहेगा आर्टिकल 352 से लेकर 360 बिल्कुल सही है, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है, श्याम जी, संतोष जी, अनिश जी सबसे पहले आया, दिलीप जी बिल्कुल सही, पूनम जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, ओके बिल्कुल सही है राज जी बिल्कुल सही, यादव जी बिल्कुल सही है, मौसम जी बिल्कुल सही था। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है और आंसर दीजिएगा, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। मैं सारे पुरस्कारों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं जब भी कहूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस वीडियो के बाद में उन क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। ऑप्शन आ रहा है 2, वेरी गुड ऑप्शन है, दिलीप जी ऑप्शन आ रहा है वी, ओके परमवीर चक्र, अनिश जी बहुत बढ़िया ऑप्शन 2, सभी का लगभग आ रहा है, सभी का सही है परमवीर चक्र। अब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है अब सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है आपको युद्ध जो है युद्ध में वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं 3 प्रकार के, शांति के लिए भी 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, तो आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल कैशलेस गांव अकोडरा है वो किस राज्य का जो है गांव है। चलिए बताइएगा अकोडरा किस गांव में आता है जिसको पहला भारत का डिजिटल जो है यानी कि डिजिटल कैशलेस गांव कहा गया। चलिए आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा,
देखते हैं किस किस का आंसर आएगा। जल्दी से जल्दी से कमेंट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ मैं क्योंकि ये इन्हीं क्वेश्चन में से आपको पिछले एक दो वीक में से क्वेश्चन आए हैं आरआरबी जेई में। ठीक है संतोष जी बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। ऑप्शन थर्ड रहेगा गुजरात, पूनम जी अनिश जी का सबसे पहले आ गया पूनम जी और यहाँ पर क्या है यहाँ पर गुजरात आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो अगला क्वेश्चन कब देखिए कब लॉन्च हुआ 1 जुलाई 2015 को। ठीक है ओके चलिए अगला क्वेश्चन, नागर होल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, नागर होल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, मैं डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन वाली वीडियो है। ठीक है चलिए आंसर दीजिएगा नागर होल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ठीक है जल्दी से कमेंट आना चाहिए भाई, जल्दी से कमेंट करिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए कमेंट करिए फ्रेंड्स क्या रहेगा आंसर, मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा। 10 सेकंड हो चुके हैं, यहाँ पर कर्नाटक ऑप्शन वन, श्याम जी अनिश जी दिलीप जी ऑप्शन वन। ओके यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन वन कर्नाटक बिल्कुल सही है, पूनम जी बिल्कुल सही, श्याम जी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है गोल्डन चैरियट, चैरियट जो है वो एक क्या है, गोल्डन चैरियट एक पर्यटक क्या है, पर्यटक तीर्थ स्थान है, बस है, ट्रेन है या होटल है, तो आंसर कमेंट करिएगा ये क्या चीज़ है आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा क्या रहेगा आंसर, देखते किसका आंसर सही आता है। ये क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में, अभी नहीं आया तो क्या पिछले बार आया था। ठीक है तो आंसर रहेगा ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन का नाम है पांडे जी बिल्कुल सही, सोचिए मत आंसर बिल्कुल सही है मुकेश जी बिल्कुल सही। चलिए इसके बारे देखिए ये कहाँ कहाँ पर चलती है, कर्नाटक गोवा केरल और तमिलनाडु के साथ साथ ही कहाँ पर पांडिचेरी में चलती है पर्यटकों लेके, एक पर्यटकों को ये एक प्रकार की एक जो है ट्रेन है बिल्कुल, थर्ड ऑप्शन था। चलिए अगला क्वेश्चन, DRDO द्वारा विकसित स्वाति क्या है, स्वाति एक्चुअल में क्या है आंसर कमेंट करिएगा, DRDO द्वारा डेवलप की गई है तो आंसर दीजिएगा स्वाति एक्चुअल में है क्या, चलिए आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स क्या रहेगा आंसर। और हमारे 10 बज चुके हैं तो हमारे जो है वीडियो जो है हमारा टाइम भी हो गया है तो हो सकता है मैक्सिमम जो स्टूडेंट रहते हैं वो भी आ जाए। चलिए आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा, ऑप्शन वन आ रहा है तो हथियारों को तलाश करने वाला एक रेडार जो है वो ईजाद किया है DRDO ने, ऑप्शन वन बिल्कुल सही है संतोष। ओके पालकी पांडे जी और यहाँ पर निजी बिल्कुल सही है। ओके ठीक है चलिए चलिए ऑप्शन वन बिल्कुल सही मुकेश जी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये रहा बांसी जलधारा किसके बीच में आती है, बांसी जलधारा किन किन देशों के बीच में आती है, चलिए आंसर कमेंट करिएगा, बांसी जलधारा जो चैनल है वो किस किस के बीच में लोकेटेड है, श्याम जी ऑप्शन वन, दिलीप जी बिल्कुल सही है, चलिए आंसर कमेंट करिएगा, मौसम जी ऑप्शन वन वेरी गुड। और फ्रेंड्स 11 लोग देख रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 11 के 11 स्टूडेंट यहाँ पर आंसर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं उन सभी से कहूंगा कि वीडियो अगर अच्छी लग रही तो लाइक करेगा और आंसर कमेंट करेगा। ऑप्शन बी आ रहा है संतोष जी, ऑप्शन मुकेश जी, ऑप्शन फोर आ रहा है तो यहाँ पर रहेगा वन, पांडे जी बहुत बढ़िया, पूनम जी बहुत बढ़िया, फिलीपींस और ताइवान के बीच में आता है वासी जलधारा बिल्कुल सही मुकेश जी बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन पूछेंगे, BBPAT का जो है पूरा फुल फॉर्म बताइएगा, BBPAT का फुल फॉर्म बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट है अगर आपके लोकसभा के एग्जाम हुए हैं, लोकसभा में क्वेश्चन आता है तो ये आएगा एग्जाम में। ठीक है चलिए आंसर कमेंट करिए क्या रहेगा, ओके चलिए आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स क्या है, श्याम जी चलिए आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। ओके आंसर नहीं आ रहा भाई, 10 सेकंड हो चुके हैं, ऑप्शन सी आया अनिश जी बहुत बढ़िया, यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल बहुत सही, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए इसके बारे में अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपको प्रिंटर मशीन होती है एक प्रकार की ऐसी होती है प्रिंट मशीन होती है। ठीक है चलिए अगला इनके बारे में इन्फॉर्मेशन है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल मौसम जी संतोष जी बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है, ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या आता है आंसर दीजिएगा, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से यहाँ पर देश हैं वो आते हैं आंसर कमेंट करिएगा। चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं। चलिए ऑप्शन आ गया वन वेरी गुड एनीवन, श्याम जी फोर बहुत अच्छे, यहाँ पर आएगा वन क्या आएगा, इंग्लैंड स्कॉटलैंड और वेल्स। ठीक है वन बिल्कुल सही है पांडे जी और अनिश जी बिल्कुल सही। ठीक है और इसका स्क्रीनशॉट लेना है, मतलब ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से आते हैं, यूके में क्या आता है, इंग्लैंड में क्या क्या आते हैं, तो ये आपको लेना है स्क्रीनशॉट, जल्दी से कमेंट कर लीजिए कमेंट बिल्कुल, ऑप्शन बिल्कुल सही पूनम जी। चलिए अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा, ओके इसके बारे में नहीं करेंगे बात, अगला क्वेश्चन पूछेंगे अब ये इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल के आधार पर देशों को बढ़ते क्रम में आपको लगाना है, बढ़ते क्रम में मतलब पहला छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा। ठीक है इस प्रकार से लगाना है किसके क्रम में, हमें बढ़ते क्रम में और जिस क्षेत्रफल की दृष्टि में बताना है। ठीक है हमारा देश
इंडिया इसमें नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंडिया जो है बहुत नीचे है अभी तो क्षेत्रफल की दृष्टि में। ऑप्शन आ रहा है थर्ड, वेरी गुड, एनीवन कोई आंसर कमेंट करेगा। फोर्थ आ रहा है पांडे जी, बिल्कुल सही है, पहले आएगा यूएस, फिर चाइना आएगा, फिर कनाडा आएगा। सबसे बड़ा देश कौन सा? रशिया है, थर्ड नहीं रहेगा भाई, यहाँ पर रहेगा फोर्थ आंसर रहेगा, रशिया रहेगा। मैंने पहले भी वीडियो कराई थी और आपको एक एक करके जो है इनका एरिया बताया था, ठीक है, बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है निजी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस महिला ने सबसे पहले K2 जो है पर्वत श्रृंखला का श्रृंखला पर चढ़ाई करी है? चलिए आंसर कमेंट करिएगा, K2 पर किसने चढ़ाई करी, चलिए आंसर करिएगा। पूनम जी बिल्कुल सही था, पिछले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा। चलिए जलील से आंसर करेंगे और आंसर जलील कमेंट करिए, ठीक है। ऑप्शन आ रहा है अनिश जी वी, वेरी गुड एनीवन, कोई आंसर कमेंट करेगा। मौसम जी फर्स्ट आ रहा है, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन रहेगा टू रहेगा, वांडा राइकी विच, बहुत सही है ऑप्शन बी बिल्कुल अनिश जी, और यहाँ पर बिल्कुल सही है पांडे जी, चलिए बिल्कुल सही है। चलिए ओके, ये स्क्रीनशॉट लेना है भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने अपने लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जब भी बोलूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलने वाले हैं, मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है ओके। और पहली महिला कौन थी? संतोष यादव, एक पहली महिला थी यादव, एक पहली भारतीय पर्वतारोही थी, वह माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली दुनिया की जो चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला थी, ठीक है, दो बार चढ़ने वाली, संतोष यादव दो बार चढ़ी हैं, वो पहली महिला थी जिन्होंने दो बार पर्वत को जो है एवरेस्ट को दो बार चढ़ा, वो भारत की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कहाँ था? पहला मुख्यालय कहाँ था ये बताना है, दूसरा नहीं बताना है, पहला बताना है। चलिए कमेंट करिएगा क्या रहेगा, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, 9 लोग देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आपको घुमाया जाता है, नीचे ऑप्शन आ गया, वेरी गुड कोलकाता, यहाँ पर टू आ रहा है अनिल जी ओके, श्याम जी ऑप्शन वन, पांडे थर्ड, बिल्कुल सही है कोलकाता है, पहली कौन सी है? कोलकाता है। राजेश जी आपके स्वागत है ऑनलाइन फ्री स्टडी में, यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो पहले था कोलकाता में, अब आ गया है मुंबई में, ठीक, अब आ गया मुंबई में, ठीक है ओके। डॉक्टर अब्दुल जो कलाम द्वीप है जिसे हम किस नाम से या किस तट के पास स्थित व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन है और आंसर बताना है क्या रहेगा, ये किसके पास है, व्हीलर द्वीप के नाम से जानते हैं, ये किसके पास में आता है? ऑप्शन है अनिल जी थर्ड ओके ओके, दिलीप जी ऑप्शन सी आ रहा है, वेरी गुड, यहाँ पर रहेगा फर्स्ट, लेकिन यहाँ रहेगा ऑप्शन वन रहेगा ओके, यहाँ पर वन रहेगा, क्या रहेगा? सीमा जी ऑप्शन वन, अनिश जी ऑप्शन वन, उड़ीसा रहेगा, ऑप्शन वन रहेगा। चलिए इसके बारे में अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये रहा आपके सामने, भारत में सबसे लंबी रोड सुरंग कौन सी है? सबसे लंबी रोड सुरंग कौन सी है? पिछले का क्वेश्चन था उड़ीसा, बिल्कुल सही था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा, चलिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा क्या रहेगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, देखते किस किस का आंसर आता है ओके। चलिए फ्रेंड्स आंसर कमेंट करिए क्या रहेगा आंसर, ऑप्शन वन बिल्कुल सही है, चेनानी नौसारी सुरंग, ये इसका नाम है, सबसे बड़ी सुरंग है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये रहा आपके सामने, INS कलवरी जो है, कलवरी जो है एक स्वदेशी विकसित है, तो आपको बता नहीं INS कलवरी का जो है डेवलपमेंट कहाँ, तो है स्वदेशी, INS कलवरी एक स्वदेशी विकसित है, तो ये कहाँ की है, क्या है ये, एक्चुअल में क्या है, ये विमान है, पनडुब्बी है, जहाज है या मिसाइल है? आंसर बताइएगा, INS कलवी एक्चुअल में क्या है, आंसर कमेंट करिएगा, देखते किस किस का आंसर आता है। ऑप्शन आ गया वन, वेरी गुड अनिश जी, ऑप्शन टू ओके, सीमा जी ऑप्शन बी आ रहा है, बहुत अच्छे, पनडुब्बी रहेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, संतोष जी बिल्कुल सही, मुकेश जी बी है ओके, पांडे जी बी ओके, प्रिंस जी ऑनलाइन फिस्ट में स्वागत है प्रिंस जी, चलिए ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही है ओके। 27 अक्टूबर 2015 को इसको नौसेना में शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सही है, अगला क्वेश्चन है, भारत में भारत के मिल्कमैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत का मिल्कमैन किसे कहा जाता है? चलिए बताइएगा, भारत का मिल्कमैन किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है और कई बार आया है, चलिए आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स क्या है ओके। ऑप्शन टू ओके, थिरू जी ऑप्शन टू ओके, अनिश जी ऑप्शन डी, सीमा जी ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया ऑप्शन देगा, वर्गीज कुरियन सभी का सही है, सीमा जी अनिश जी बिल्कुल सही है ओके, संतोष जी बिल्कुल सही था, अगला क्वेश्चन बिल्कुल संतोष जी, दीपक दिलीप जी बिल्कुल सही है, श्याम जी ओके बिल्कुल सही था, ओके पांडे जी बिल्कुल सही, मुकेश जी पूनम जी बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, बोल्वो, बोल्वो जो है किस देश की सबसे लग्जरी बस कंपनी है? ऑप्शन आना चाहिए जल्दी से कमेंट करिएगा क्या रहेगा आंसर, ऑप्शन आना चाहिए भाई जल्दी से, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आएगा ऑप्शन टू, स्वीडन की, स्वीडन बिल्कुल सही है, स्वीडन आएगा भैया, स्वीडन आएगा, जापान नहीं आएगा, स्वीडन आएगा, संतोष जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा पांडे जी बिल्कुल सही,
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत मौसम जो विभाग है, विज्ञान विभाग यानी कि इसको कहते हैं IMD जो है कहाँ पर है, इसका मुख्यालय बताइए, IMD का मुख्यालय कहाँ है, IMD का मुख्यालय कहाँ है, आंसर कमेंट करेगा, देखते हैं किस किस का आंसर आता है। चलिए कमेंट करिए फ्रेंड्स, चलिए अलील से कमेंट करेगा फ्रेंड्स, हमारी वीडियो होती है सुबह सुबह 10 बजे भी आइएगा, सभी से रिक्वेस्ट है कि सुबह सुबह 10 बजे भी आना, ठीक है। ओके रिजवान जी ऑनलाइन फ्री स्वागत है। ओके जल्दी से आंसर आया, दिल्ली 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 आ रहा है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, दिल्ली बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके सामने, भारत का पहला कैशलेस राज्य कौन सा था, तो आपको पहले तो ये पता चल गया है कि गुजरात में पहला जो अकोटरा था गाँव, ठीक है। अब आपको राज्य बताना है कौन सा राज्य कैशलेस है, चलिए बताइएगा, चलिए आंसर कमेंट करिएगा। ऑप्शन आ गया मुकेश जी, वेरी गुड, एनीवन, ओके यहाँ पर आ गया 2, बहुत बढ़िया, सब ओके, सब राइन, ठीक है बिल्कुल ओके, गोवा आ रहा है ऑप्शन, अनिश जी बिल्कुल सही है, गोवा बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 सही है, प्रिंस जी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आप जब कब बना, गोवा 31 दिसंबर 2016 को पहला कैशलेस राज्य बना, ठीक है। संतोष जी बिल्कुल सही है, ओके अनिल कुमार बिल्कुल सही, चलिए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पर ये आपके सामने, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान बताइएगा कहाँ है, चलिए आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, क्या रहेगा आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, क्या रहेगा क्वेश्चन का, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है, ऑप्शन आ रहा है 4, वेरी गुड एनीवन, कोई आंसर कमेंट करेगा, क्या रहेगा भैया आसाम ऑप्शन में नहीं है, श्याम जी क्वेश्चन चेंज हो चुका है, सीमा जी ऑप्शन डी, ओके अनिल जी ऑप्शन 4, हैदराबाद आ रहा है, अग्निश जी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है बिल्कुल सही रहेगा हैदराबाद, बिल्कुल सही रहेगा, क्या रहेगा हैदराबाद ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए श्याम जी बिल्कुल सही था, ये स्क्रीनशॉट है इन सभी के, ठीक है मैं आपको डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि रिवीजन हमारी वाली, रिवीजन वाली क्लास चल रही है, ठीक है ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है यानी कि इसे बोलेंगे गुट निरपेक्ष राज्य के कुल कितने जो है सम्मेलन हुए थे, कुल कितने सम्मेलन हुए थे, आंसर कमेंट करिएगा, चलिए जल्दी से कमेंट करिए, क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सही था, ऑप्शन 4 था पिछले क्वेश्चन का, लगभग सभी का आंसर सही था, ओके थ्रूजी ऑप्शन आ रहा है 5, वेरी वेरी गुड एनीवन, ट्राई करिए कोई और आंसर कमेंट करेगा, 16 स्टूडेंट देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आंसर कमेंट करें, मुकेश जी ऑप्शन 4, सीमा जी डी, अनिश जी 7 आएगा, 7 बिल्कुल सही है यानी कि ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, पूनम जी संतोष जी ओके यहाँ पर आएगा, ओके बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन 4 रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है कि संबंध में जो सबसे सही सही जो कथन लिखे हुए हैं उनमें से बताना है उनमें से कौन सा गलत है, ठीक है जो सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं वो सही बताना, मतलब कौन सा गलत है ये बताना है। चलिए आंसर कमेंट करिएगा, एक साइड लिखा है आपको कहाँ पर है और एक साइड लिखा है उनका नाम, ठीक है ओके। ऑप्शन 3 आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है, सीमा जी अनिश जी ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल सही है, ये चारों के चारों कैसे हैं सही हैं, हमें तो कैसे बताना था, गलत बताना था हमें, ठीक है ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन है, सभी को पता होगा, चलिए आंसर कमेंट करिएगा, सबसे छोटा ओशियन बताइए क्या रहेगा ओशियन, सबसे छोटा ओशियन सभी को पता है भाई, ऑप्शन बी आ गया, बहुत अच्छे एनी जी एनी वन, कोई और आंसर कमेंट करेगा, क्या रहेगा आंसर कमेंट करिएगा, ऑप्शन आ रहा है पूनम जी, चलिए ऑप्शन आ रहा है प्रेम लता जी, ऑनलाइन फ्री स्ट्रीम स्वागत है आपका, यहाँ पर रहेगा आर्कटिक महासागर, क्या रहेगा आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, चलिए लगभग सभी का सही है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड्स जो है किसकी पुस्तक है, चलिए आंसर बताइएगा श्याम जी, इग्नाइटेड माइंड्स किसकी पुस्तक है, श्याम जी पूनम जी मौसम जी पांडे जी अनिश जी प्रिंस जी ओके और अनिल कुमार जी, चलिए आंसर करिएगा APJ अब्दुल कलाम, बहुत बढ़िया सीमा जी ऑप्शन बी, ओके गिरी ओके अनिल कुमार जी बहुत बढ़िया, एनीवन कोई आंसर कमेंट करेगा, ऑप्शन 2 वेरी गुड सभी का सही है, APJ अब्दुल कलाम, क्या रहेगा APJ अब्दुल कलाम रहेगा, ठीक है बिल्कुल सही अब्दुल कलाम, ठीक है बिल्कुल सही अब्दुल कलाम, बिल्कुल रियाज जी रिजवान जी बिल्कुल सही, ठीक है ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, राजस्थान के पर्यटन जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर बताने हैं वो कौन है, चलिए आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा, चलिए आंसर दीजिएगा क्या रहेगा, पूनम जी बिल्कुल ऑप्शन बी था वहाँ पर, चलिए आंसर कमेंट करिएगा, ओके इमरान खान बहुत बढ़िया, और इसके बाद में जो आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ उसका स्क्रीन शॉट लेना है, ठीक है ओके। ये रहा आपका बिल्कुल सही है इमरान खान ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, अब इनका ऑप्शन जो है आपको क्या करना है स्क्रीन शॉट लेना, इनके स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिए, ठीक है ऑप्शन ए बिल्कुल सही था मौसम जी पूनम जी बिल्कुल सही संतोष जी बिल्कुल सही था। चलिए अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के में किस गैस का इस्तेमाल किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उसमें कौन सी गैस का इस्तेमाल किया गया था, चलिए आंसर दीजिएगा क्या रहेगा, और फ्रेंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है
चलिए आंसर कमेंट करिएगा। श्याम जी ऑप्शन सी आ रहा है, सी आ रहा है। रिजवान जी ऑप्शन सी आ रहा है यहाँ पर। ओके सीमा जी ऑप्शन सी। ओके यहाँ पर आएगा ऑप्शन वन क्लोरीन आएगा। प्रिंस जी बहुत सही, मुकेश जी बिल्कुल सही, क्लोरीन आएगा। पांडे जी बिल्कुल सही है, ठीक है बिल्कुल सही। चलिए इसके बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑप्शन वन बिल्कुल सही है अनिल जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंधित है? रामनाथ कोविंद किस राज्य से हैं? चलिए बताइएगा रामनाथ कोविंद जो हैं किस राज्य से हैं, आंसर कमेंट करिएगा। क्या रहेगा आंसर? संतोष जी, पूनम जी, अनिल जी, मौसम जी, थ्रू जी, प्रेमलता जी, अनिल जी। बिल्कुल यूपी आ गया अनिल जी। ओके रिजवान जी ऑप्शन आ गया सी, ठीक है। ओके यहाँ पर आएगा ऑप्शन टू, बिल्कुल सही यूपी, बिल्कुल सही। ऑप्शन टू, ऑप्शन टू बिल्कुल सही। अलीन कुमार जी मैंने देख लिया, मौसम जी यहाँ पर ऑप्शन टू रहेगा। संतोष जी बिल्कुल सही, पांडे जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पैन कार्ड का पूरा नाम, बिल्कुल सही है। चलिए पैन कार्ड का पूरा नाम क्या है? यूपी रहेगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन का आंसर था यूपी। पैन कार्ड का पूरा नाम बताइए, क्या रहेगा पैन कार्ड का पूरा नाम? ध्रुव जी ऑप्शन टू आया, वेरी गुड एनीवन। रिजवान जी ऑप्शन वन, सीमा जी ऑप्शन ए आया है। ओके प्रिंस जी ऑप्शन ए, बिल्कुल सही ऑप्शन ए रहेगा। परमानेंट अकाउंट नंबर स्थायी खाता संख्या रहता है, ठीक है। ऑप्शन वन बिल्कुल सही है। ओके पांडे जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, यहाँ पर ऑप्शन वन रहेगा, ठीक है। ओके इसमें कितने डिजिट होते हैं पैन कार्ड में, कितने डिजिट होते हैं? अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं, दस दस होते हैं टोटल मिला के, कितने होते हैं? दस होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यूपीएस का फुल फॉर्म जो है बताना है। यूपीएस का फुल फॉर्म बहुत ही सिंपल, यूपीएस नहीं, यूपीएस का फुल फॉर्म बताइए क्या रहेगा? 22 का यूपी बिल्कुल सही है भैया, अनिल जी बिल्कुल सही है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा? पांडे जी, ओके यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन 14। ओके 14 को समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हो आप। मुकेश ऑप्शन आ रहा है थर्ड, वेरी गुड। यहाँ पर आएगा ऑप्शन फोर्थ आएगा भाई, फोर्थ आएगा। दोनों की दोनों गैस यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी बिल्कुल सही है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी को तो यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेकर इसको देख सकता है। मौसम जी बिल्कुल सही, सीमा जी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 1661 में चार्ल्स द्वितीय को जो है विवाह हुआ चार्ल्स द्वितीय का, और उनको दहेज में एक शहर दिया गया, उस शहर का नाम बताइएगा क्या रहेगा? ठीक है चलिए बताइए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ओके ऑप्शन बी आ रहा है ए, ओके ठीक है। ओके क्या रहेगा ऑप्शन? रहेगा ऑप्शन नंबर टू रहेगा, मुंबई दिया गया था भाई। किसी ने ऑप्शन टू बोला था, किसने बोला था भाई? ऑप्शन टू अनिल जी और अनिल, ओके अनिल कुमार जी, बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा मुंबई। ओके प्रेमलता जी, मौसम जी बी बिल्कुल सही रहेगा, पूनम जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, नोकिया इंडिया के सीईओ कौन है? नोकिया इंडिया के सीईओ कौन है? चलिए आंसर कमेंट करिएगा, क्या रहेगा आंसर? नोकिया के सीईओ कौन है, इंडिया के सीईओ? चलिए आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा। ऑप्शन आ गया सी, ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन वन आ गया है, ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन वन आ रहा है। अनिल जी, अनिल सभी का ऑप्शन वन आ रहा है। राजीव सूरी बहुत सही है, राजीव सूरी बिल्कुल सही है। अनिल जी बिल्कुल सही, श्याम जी, सीमा जी बिल्कुल सही है। ओके बिल्कुल सही अनिल, ओके अनिल जी बिल्कुल सही था, ऑप्शन ए श्याम जी, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार बनाने के लिए किस सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है? फ्यूज़ जो होता है आप जो यूज़ करते हैं फ्यूज़, उसके उसमें मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, उसकी वायर को बनाने में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है? चलिए आंसर कमेंट करेगा। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। अनिल जी ऑप्शन ए, वेरी गुड। प्रेम जी ऑप्शन ए, ओके रिजवान जी ऑप्शन ए, ऑप्शन आया श्याम जी का ए, तो बिल्कुल सही रहेगा। 10 और सीता बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल सही है पूनम जी। यहाँ पर मुकेश जी बिल्कुल सही, सीमा जी ऑप्शन वन आएगा, पांडे जी ऑप्शन यहाँ पर रहेगा वन, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, सारी चीज़ें लिखी हुई है, कंपोजिशन लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। सभी को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संगाई महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? संगाई महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए बताइएगा क्या है आंसर, कमेंट करिएगा, कमेंट करिए। ऑप्शन आ गया टू, वेरी गुड एनीवन। ओके 22, ओके 22 का बॉम्बे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप, अनिल जी ऑप्शन बोला है 22। अगर अनिल जी कोई दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 22 में तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा, इस वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन को लिख कर भेजिएगा, ठीक है।
ओके अनिश जी ऑप्शन आ रहा है मणिपुर, बहुत बढ़िया, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन टू रहेगा, मणिपुर बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन टू बिल्कुल सही है, अनिश जी बिल्कुल सही, मौसम जी बिल्कुल सही, पूनम जी बिल्कुल सही है। ओके तो यहाँ पर जो हर साल मणिपुर में 21 से लेकर 30 सितंबर तक जो है मणिपुर संगाई महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस क्रिकेट मैदान में आर अश्विन ने 300 टेस्ट विकेट लिए थे, 300 जो है विकेट लिए थे टेस्ट क्रिकेट के, तो आंसर बताइएगा किस मैदान में लिए थे आर अश्विन, यानी कि अश्विन की बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलिए रविंद्र चंद्र अश्विन, ठीक है, चलिए बताइएगा क्या रहेगा आंसर, कमेंट करिएगा। और अब तो वर्ल्ड कप भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो फ्रेंड वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास, तो जल्दी जल्दी से आंसर बताइएगा। ऑप्शन आ गया वन, ओके नागपुर आ गया है, तो यहाँ पर आया ऑप्शन नागपुर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है नागपुर, अनिश जी बिल्कुल सही, अनिल कुमार जी बिल्कुल सही, श्याम जी बिल्कुल सही, और पांडे जी ऑप्शन वन रहेगा, अनिश जी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। जनसंख्या के मामले में नागपुर जो है 13वें सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा शहर है, 13 नंबर पर आता है। जय माता दी, पूजा जी, चलिए आंसर बताइएगा, ठीक है। और सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपके सामने है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आंसर कमेंट करिएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा, ठीक है। और सेट चेंज होते हैं हमारे, ठीक है, सेट चेंज हो रहा है, इसलिए आपको जो है क्वेश्चन अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं 14 आ गया 15 आ गया, लेकिन हमने क्वेश्चन जो है 70-80 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। साइंस, ओके ऑप्शन आ गया वन, मौसम जी वन, यहाँ पर आएगा ऑप्शन वन, ये साइंस के क्षेत्र में दिया था, वन बिल्कुल सही रहेगा ऑप्शन वन, पूजा जी बिल्कुल सही है, सीमा जी बिल्कुल, मौसम जी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, एनीथिंग व्हाट खामोश जो है वो किसकी पुस्तक है, एनीथिंग व्हाट खामोश जो है वो किसकी पुस्तक है, आंसर कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट करिए आंसर दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एनीथिंग व्हाट खामोश, खामोश का तो नाम सुनागा। ओके मानवेंद्र सिंह जी ऑनलाइन फ्री स्ट्रीम में स्वागत है, ऑप्शन वन आ रहा है, रिजवानी बहुत बढ़िया ऑप्शन वन, पूनम जी ऑप्शन वन, सीमा जी वन, और अनिल कुमार जी वन, बिल्कुल सही, अनिल जी बिल्कुल सही रहेगा, शत्रुघ्न सिन्हा की जो है ये बायोग्राफी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी है, 2016 में उन्हें अपनी जीवनी जो है उन्होंने लिखी थी, किसने, शत्रुघ्न सिन्हा ने, एनीथिंग व्हाट खामोश के नाम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, जो बताना आपको कौन सी जो ऊर्जा है वो सबसे बड़ा स्रोत है, चलिए आंसर बताइएगा, कौन सी ऊर्जा सबसे बड़ा स्रोत है आपको बताना है, चलिए कमेंट करिएगा क्या रहेगा आंसर, देखते हैं किस किस का आंसर आता है। और फ्रेंड आपको क्या करना है, थोड़ा और बढ़ाना है, स्टूडेंट्स को और बढ़ाना है, और आपको वीडियो को शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। चलिए ऑप्शन वन आ रहा है मानवेंद्र जी, ऑप्शन वन आ रहा है मौसम जी, वन आ रहा है, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन फोर, इनमें से कोई भी नहीं रहेगी, सबसे बड़ी जो रहेगी सबसे बड़ा स्रोत यहाँ पर नहीं है, ज्वारा जल, देखिए जल विद्युत ऊर्जा भी इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है, पवन भी नहीं है, ज्वारी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर सन होता, सन जो है बिल्कुल सही रहता, सन जो है बिल्कुल सही रहता, सन रिजवान जी बिल्कुल सही, क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है, सन रहेगा, सीमा जी बिल्कुल सही है, वैसे सन रहेगा क्योंकि देखिए सन में तो बहुत सारी ऊर्जा है, अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, पूरे जो है यहाँ तक भी है, सोलर पैनल बिछा दिए, बहुत ही ऊर्जा आएगी, ठीक है। कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, चलिए बताइएगा, वफरिंग हो रहा है विकास जी, यहाँ पर अगर वफरिंग हो रहा है तो मुझे बता दिए, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आंसर जो आपको मुझे यहाँ पर लिखकर भेजना है कि क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। ऑप्शन आ रहा है वन, वेरी गुड, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा, ऑप्शन फोर आ रहा है सभी लोगों का, तो बिल्कुल सही, पारा और ब्रोमीन जो है 23 या 24 डिग्री सेल्सियस पर जो है पिघल जाते हैं, ठीक है, ओके ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ब्रोमीन और मर्क्यूरी के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर सारी चीज़ लिखी है, फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो आप ये देख सकते हैं कमरे के तापमान पर तरल पदार्थ कौन कौन से हैं, तो अन्य देखिए सीजियम है, रुबिडियम है, फ्रेंसियम है, गैलियम है, ये कमरे के तापमान पर उस तापमान पर या उससे जो उसके ऊपर जो होते हैं वो उस पर तरल हो जाते हैं, ठीक है। बलजीत सिंह जी ऑनलाइन फिस्टर में स्वागत है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछेंगे, भारत के रक्षा मंत्री कौन है, भारत की रक्षा मंत्री कौन है, ये सभी को पता होगा भैया, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे ऑप्शन भी अगर आपको नहीं दिया जाए तो आप आंसर कमेंट कर सकते हैं, भारत की रक्षा मंत्री कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, अभी फिलहाल में आंसर कमेंट करेगा, मानवी जी ऑप्शन वन, वेरी गुड, एनी वन, निर्मला जी ओके ऑप्शन आ गया वन, अनिल जी ऑप्शन वन, तो यहाँ पर रहेगा वन, निर्मला सीतारमन, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, निर्मला सीतारमन है, पहली भारत की महिला है जो रक्षा मंत्री हैं, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। चलिए इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है तो ये यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। भारत के पहले
रक्षा मंत्री के बारे में पूछ लिया जाए तो पहले बात के पहले स्वतंत्र भारत का रक्षा मंत्री कौन था, बलदेव सिंह थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सम्राट अकबर ने, अकबर के नौ रत्न जो है में से नहीं है। भारत के नौ रत्न, भारत के जो सम्राट कौन था अकबर थे उनके नौ रत्न सभी को बताए। इनमें से नौ रत्न में से ये तीन ऑप्शन चार ऑप्शन दिए तो इसमें से एक जो है वो है नहीं इनका। ठीक है, वो कौन सा नहीं है बताना है आपको, नौ रत्न नहीं है कौन सा ये बताना है। चलिए आंसर कमेंट करिएगा। ऑप्शन पूरा है विकास जी, ऑप्शन अनिश जी डी आया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर पूरा करेंगे, ऑप्शन वन टू थ्री बिल्कुल सही है, ये चारों के चारों थे। ऑप्शन फोर जो है वो रहेगा नन ऑफ दिस रहेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, राजस्थान का पर्यटन। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, मंगल की सतह पर उतरने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान कौन सा था भैया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन का सेट चेंज हो चुका है, तो चलिए आंसर बताइएगा। सुशील जी ऑनलाइन फीसरी में स्वागत है, आंसर बताइएगा क्या रहेगा। ओके, वो क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया था, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या रहेगा, मंगल की सतह पर उतरने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो ऑप्शन आ रहा है वन अपोलो आ रहा है, अपोलो इलेवन, ओके अपोलो आ रहा भैया। यहाँ पर अपोलो इलेवन के बारे में बात नहीं, अंतरिक्ष की बात नहीं हो रही है, पहला अंतरिक्ष यान की बात हो रही है। तो ये रहेगा वाइकिंग फर्स्ट, वाइकिंग फर्स्ट रहेगा भैया, अपोलो फर्स्ट अंतरिक्ष में जाने वाला है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति जो इंसान गए थे। ठीक है, ऑप्शन रहेगा टू वाइकिंग फर्स्ट। बलजीत जी बहुत सही, मौसम जी बिल्कुल सही है, सुशील जी बिल्कुल सही है। ओके चलिए, बिल्कुल सही ऑप्शन, दीपक जी बिल्कुल सही था। चलिए अगला क्वेश्चन इसके बारे में पढ़ेंगे, ये रहा आपके। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर इसका स्क्रीनशॉट लेना है। 20 जुलाई 1976 को यह मंगल पर गया, सफलतापूर्वक उतरा और इस मिशन को करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। ठीक है, ओके, और ये कब प्रक्षेपित कब किया गया था, 21 अगस्त 1975 में प्रक्षेपित किया गया था, बफरिंग होने लगा है। ओके रिजवान जी, ओके कोई मुझे बताएगा वीडियो बफरिंग हो रही है क्या, कोई एनीवन कोई बताएगा, वीडियो अगर बफरिंग हो रही तो मुझे बताइए जल्दी से, अगर वीडियो बफरिंग हो रही तो आंसर बताइएगा। ओके नहीं हो रही है, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर है, चंद्रमा की सतह पर क्या चीज़ है बताइए, चंद्रमा कैसी सतह कैसी है, चंद्रमा की सतह कैसी है। बिल्कुल विकास जी, रोज की रोज वीडियो होती है सुबह 10 बजे और रात के 10 बजे। ठीक है, बिल्कुल इसी टाइम होती है, सुबह भी आइएगा, सुबह 10 बजे भी वीडियो होती है। ठीक है, चलिए आंसर बताइएगा क्या रहेगा। और आपको मैं मैथ की वीडियो का टाइम भी बता दिया मैंने फ्रेंड्स, ठीक है, 8:30 बजे मैथ का टाइम रहता है। ऑप्शन आ रहा है डी, बहुत अच्छे, डिजर्ट 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 आ रहा है, तो यहाँ पर डिजर्ट रहेगा, रेगिस्तान रहेगा। अनिल जी, विकास जी, पांडे जी, रिजवान जी, ओके अनिल कुमार जी, सीमा जी, ओके बिल्कुल सही, सभी का लगभग सही है। ओके मानवेंद्र जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, जहरीली गैस में मौजूद होती है, जहरीली गैस किस कहाँ पर, किस जो है किस जगह पर आएगी, कौन से ग्रह पर आती है। चलिए बताइएगा कौन से ग्रह पर आती है जहरीली गैस। ऑप्शन आएगा हीलियम गैस होती है, ठीक है, हीलियम गैस होती है जहरीली, लेकिन यहाँ पर गैस नहीं पूछी है, जहरीली गैस जो है इन ग्रहों में से किस ग्रह में पाई जाती है। ठीक है, चलिए बताइएगा। ओके विकास जी, जहरीली गैस तो बहुत सारी रहती हैं। ठीक है, आंसर कमेंट करिएगा, आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट करिए भाई। ऑप्शन आ गया मानवी जी 4, पांडे जी 4, सुशील जी 3, ओके ओके ऑप्शन आया जुपिटर, ठीक है बहुत बढ़िया, जुपिटर रहेगा, बृहस्पति रहेगा जिस पर जहरीली गैस पाई जाती है, बिल्कुल सही है। पूनम जी, दीपक जी और अनिल कुमार जी और पांडे जी बिल्कुल सही है, मानवी जी बिल्कुल सही, ऑप्शन बलजीत जी बिल्कुल सही है, मुकेश जी बिल्कुल, ओके सॉरी मौसम जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन, आम तौर जो आम और पपीता रहते हैं, क्या रहते हैं, आम और पपीता खाद्य जो है हिस्सा रहता है, क्या रहता है, आम और पपीता आप खाते हैं, आम और पपीते का हिस्सा कौन सा आप खाते हैं बताइएगा, कौन सा हिस्सा खाने योग्य होता है। चलिए आंसर बताइएगा क्या रहेगा, क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए फ्रेंड, जल्दी से कमेंट करिएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा, और देखिए मैं कहता हूँ क्या हूँ, देखिए आपको मैंने आज वीडियो स्टार्ट जल्दी कराई थी, ठीक है, कल भी हो सकता है जल्दी हो सके। तो फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट हैं बेल का आइकन दबाइएगा, अगर बेल का आइकन नहीं दिखाई दे रहा इसका मतलब है आपका जो है सब्सक्रिप्शन का बटन आपने नहीं दबाया है, तो सब्सक्रिप्शन बटन दबाइएगा, उसके बाद बेल का आइकन आ जाएगा, उसे दबा दीजिएगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ऑप्शन रहेगा 2, ये फल वृत्ति होती है भैया, फल वृत्ति होती है, ऑप्शन आ गया ग्री, ओके ऑप्शन आ गया अनिल जी बहुत बढ़िया, ओके क्या रहेगा भैया, ऑप्शन 2 रहेगा, सीमा जी बिल्कुल सही है, ओके सॉरी हीमा जी ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन 2 है, ठीक है, अनिल यादव जी बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चारकोल है, चारकोल कैसा, एक गैसीय ईंधन है, तरल ईंधन है, ठोस ईंधन है, या इसमें से कोई भी नहीं है, चारकोल किस प्रकार का ईंधन है, चलिए बताइएगा क्या है, आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा।
ओके रिजवान जी थर्ड, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा। और फ्रेंड थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, डेफिनेटली अगर आपको अच्छी लगी वीडियो और आपको लग रहा है कि हाँ कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो आंसर कमेंट कर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आएगा ऑप्शन थर्ड यहाँ पर ठोस आएगा, ठोस। अनी जी बिल्कुल सही है, दीपक जी बिल्कुल सही है, सॉलिड फ्यूल विकास जी बिल्कुल सही है, सीमा जी बिल्कुल सही है, सॉलिड फ्यूल होता है। चलिए इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और देखिए स्क्रीनशॉट, देखिए स्क्रीनशॉट मत लीजिए, इंपॉर्टेंट इससे इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर होगी मेरे पास इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहेगी तो मैं बताऊँगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा अंग एक उत्सर्जन और एक ज्ञानेन्द्रिय यानी कि सेंसेस अंग के रूप में कार्य करता है? अक्रिस्टलीय पदार्थ, बहुत बढ़िया विकास जी। अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है किसी भी ऑप्शन के बारे में तो शेयर करिएगा, ठीक है। मुझे भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा और भी स्टूडेंट को कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई मैं भी सीखूँ, ठीक है। ओके चलिए आंसर कमेंट करिएगा। मुकेश जी ऑप्शन सी, वेरी गुड। सीमा जी ऑप्शन सी, बहुत अच्छे। एनीवन कोई बताएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा होल्ड करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ रहा है थर्ड थर्ड थर्ड, सभी का थर्ड आ रहा है भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे सभी लोग। मानविन जी चलिए बिल्कुल सही है भैया, त्वचा ऐसी जो है अंग है हमारा जो सर्जन भी करती है और जो है एक तरह की सेंसेस भी है, ठीक है। ओके तो हमारे सेंस कितने हैं भैया? पांच तरह की हमारी इंद्रियां होती हैं, आँख कान जीभ त्वचा और नाक, और शरीर की जो रक्षा हमें करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी? भैया ये जो है शायद 29 तारीख या 28 तारीख में क्वेश्चन आया था, ठीक है। आरआरबी जेई का क्वेश्चन आया है, ये मैं नहीं बोलूँगा कि आरआरबी जेई में मैंने जो है मैंने इसमें डाला नहीं, मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही लिए हैं जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ गया। ऑप्शन बी, वेरी गुड अनिश जी। एनी वन? रिजवान जी फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। पूनम जी वी कर रहे हैं, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा? 16 स्टूडेंट देख रहे हैं, सभी से कहूँगा आंसर कमेंट करिए, ठीक है। दीपक जी ऑप्शन बी, पांडे जी ऑप्शन ए। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन टू क्रिश्चियन ऑस्टेट्स रहेगा, भैया क्रिश्चियन ऑस्टेट्स रहेगा, ऑप्शन टू रहेगा। यहाँ पर बी पूनम जी अनिश जी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन टू बिल्कुल सही रहेगा। और दीपक जी बिल्कुल सही है। चलिए इसके इनके बारे में इंफॉर्मेशन है तो ये आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बिल्कुल सही है दीपक जी। ओके बलजीत जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी मछली विद्युत शक्ति उत्पन्न करती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये बचपन में मैंने पढ़ा था, ठीक है, और बचपन में पढ़ा था और ये मेरे को अभी तक याद है, तो आंसर बताइए क्या रहेगा। कौन सी मछली विद्युत शक्ति प्रवाह जो है कर सकती है? ओके गुड नाइट पूनम जी बिल्कुल। चलिए आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा, आंसर कमेंट करिए। सीमा जी ऑप्शन वन आ रहा है, बिल्कुल सही है, ईल मछली रहेगा, बिल्कुल सही, ईल मछली रहेगा, ठीक है। ईल मछली बिल्कुल सही है, इसका जो आपको साइंटिफिक नेम है वो रहता है इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस, ठीक है, इसका नाम बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन रहेंगे, ये आपके सामने, निर्मित से कौन एक अच्छे ईंधन का विशेषता नहीं है? कौन सी जो है अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है? आंसर कमेंट करिएगा, ऐसी कौन सी विशेषता लिखी हुई है इसमें जो अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है? चलिए कमेंट करिए फ्रेंड्स क्या रहेगा, और फ्रेंड वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ओके चलिए कमेंट करिए, आंसर दीजिएगा क्या रहेगा। ऑप्शन टू आ गया है रिजवान जी, ऑप्शन डी आ गया अनिश जी। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा? यहाँ पर रहेगा ऑप्शन रहेगा फोर, ये सारे के सारे सही हैं, सारे के सारे सही हैं, ये सब कुछ सही हैं, ठीक है। ओके ओके मतलब अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है, मतलब कि ऑप्शन डी रहेगा। भैया विशेषता जो है यहाँ पर लिखी हुई है तो आप देख सकते हैं एक आदर्श फ्यूल कैसा होना चाहिए, ये चार ऑप्शन लिखे हैं तो फ्यूल यहाँ पर लिखे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं पता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारे घरों के विद्युत उपकरण जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, मतलब कैसे लगाए जाते हैं, सर्किट के माध्यम जो है किस प्रकार जुड़े जाते हैं? तो बताइएगा, श्रेणीबद्ध जुड़े जाएंगे, समांतर जुड़े जाएंगे, कैसे जुड़े जाएंगे? आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स क्या रहेगा, आंसर कमेंट करिएगा क्या हो सकता है आंसर, देखते हैं किस किस का आंसर आता है। चलिए अली से क्वेश्चन का आंसर करिए, ऑप्शन आ गया फर्स्ट, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा? मुकेश अली से आंसर कमेंट करिए क्या रहेगा। ओके मुकेश जी ऑप्शन, मानवी जी ऑप्शन वन। ओके सीरीज में आ रहे हैं तो भैया बहुत बढ़िया, यहाँ पर रहेगा पैलर रहेगा, भैया पैलर जुड़े जाएंगे। पांडे जी बहुत बढ़िया, पांडे जी बहुत सही। तो देखिए हमारे घरों में अगर जो विद्युत होती है, विद्युत प्रवाह होती है, उसको हम कैसे जुड़ेंगे? पैलर जुड़ेंगे। पैलर क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि देखिए अगर हम पैलर नहीं जुड़ेंगे, श्रेणी में जुड़ेंगे, तो आप जो है किसी भी बटन को दबाएंगे तो सारी जो एनर्जी जो होगी वो कट हो जाएगी, मतलब उसके आगे वाले जितने भी प्लग होंगे वो कट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का ना हो इसलिए हम जो है पैलर में लगाते हैं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपके सामने, सीधे हरे पौधे को कहा जाता है?
सभी हरे पौधों को क्या कहा जाता है, सभी हरे हरे पौधों को क्या कहा जाएगा, उपभोक्ता कहा जाएगा, तृतीय उपभोक्ता कहा जाएगा, उत्पादक कहा जाएगा या अपघटक कहा जाएगा, चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर दीजिएगा क्या रहेगा। क्वेश्चन आ रहा है ऑप्शन सी, वेरी गुड एवरीवन, कोई आंसर कमेंट करेगा। यहाँ पर वन भी आ रहा है, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन थर्ड रहेगा। ये एक उत्पादक है, क्या है, प्रोड्यूसर है, ऑप्शन रहेगा थर्ड। मुकेश जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन अनिल कुमार जी बहुत बढ़िया, पांडे जी यहाँ पर रहेगा उत्पादक, ठीक है, अपघटक नहीं रहेंगे, ठीक है, ओके। क्वेश्चन है किसे आंशु गैस के रूप में जाना जाता है, आंशु गैस या टीयर गैस किसे कहते हैं, चलिए बताइएगा टीयर गैस किसे कहते हैं, आंसर कमेंट करिएगा, देखते हैं किसका आंसर आता है। चलिए फ्रेंड्स आंसर कमेंट करिए क्या रहेगा। ओके यहां पर वन आ रहा है, यहां पर आएगा वन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है अनिल कुमार जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया अनिल कुमार जी, यहाँ पर वन ऑप्शन रहेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है अश्वपन जी, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। हर साल वन महोत्सव किस महीने मनाया जाता है, वन महोत्सव किस महीने मनाया जाता है, आंसर कमेंट करिए, चलिए आंसर बताइए, आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा क्या रहेगा आंसर। और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। रिजवान जी फोर आ रहा है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन थर्ड, जुलाई में जो है वन महोत्सव मनाया जाता है, बिल्कुल सही है अनिल कुमार जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा थर्ड, ठीक है मुकेश जी बहुत बढ़िया। यहाँ पर वन महोत्सव के बारे में लिखा हुआ है, जुलाई के पहले हफ्ते में लगा जो है मनाया जाता है, ये त्यौहार कब मनाया जाता है, जुलाई के पहले जो है हफ्ते में मनाया जाता है, ठीक है ओके। कब स्टार्ट किया गया, 1950 में स्टार्ट किया गया था, हमारे कृषि मंत्री थे, कौन थे, खाद्य मंत्री, कृषि एंड खाद्य मंत्री कौन थे, के एम मुंशी ने जो है, मुंशी जो यहाँ उन्होंने ये जो है ये इस प्रकार का जो है जो त्यौहार मनाया था, ठीक है। इसमें जो है वृक्ष लगाए जाते हैं और वृक्ष को बचाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, रॉकेट मैन के रूप में किनको जाना था, रॉकेट मैन किसको कहते हैं, चलिए बताइएगा रॉकेट मैन किसको कहते हैं, रॉकेट मैन जो है किसका उपनाम है, आंसर कमेंट करिएगा क्या रहेगा आंसर, कमेंट करिए फ्रेंड्स क्या हो सकता है आंसर। चलिए लीज आंसर कमेंट करिएगा, मुकेश जी ऑप्शन टू वेरी गुड, ओके रिजवान जी ऑप्शन टू, सीमा जी ऑप्शन वन, वेरी गुड, सभी लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन वन रहेगा, के सिवान किसके डायरेक्टर है, चलिए आंसर कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा के सिवान किस चीज के डायरेक्टर है, किस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर है, किस संस्थान के डायरेक्टर है, ये भी बताना है, ठीक है आंसर कमेंट करिएगा। ये तो ठीक है आपने बता दिया के सिवान, बहुत लोगों ने दिखा दिया मुझे भैया किसके सिवान है, लेकिन ये मैं पूछ रहा हूँ, ओके इसरो आ रहा है, इसरो आ रहा भैया, ओके एनीवन, ओके चलिए बहुत बढ़िया, इसरो यहाँ पर आएगा, के सिवान बहुत बढ़िया, यहाँ पर इसरो रहेगा, चलिए बिल्कुल डीआरडीओ नहीं रहेगा भैया, यादव जी इसरो रहेगा, ठीक है मैं जो रहता है थोड़ा देखता हूँ स्टूडेंट क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है उसको देखता हूँ, फिर उसके बाद में आपको आंसर बताता हूँ, ऐसे नहीं बताता हूँ, ठीक है ये सारी चीज़ें लिखी हुई, इसकी स्थापना वगैरह लिखी हुई इसरो की, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप अगर इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला अनुवांशिकी बैंक किस शहर में उद्घाटन किया गया, किस शहर में जो इसका उद्घाटन किया गया, आंसर बताइएगा। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला अनुवांशिकी बैंक जो है किस शहर में उद्घाटन किया गया, चलिए आंसर दीजिएगा क्या रहेगा। ऑफ फ्रेंड वीडियो देखिए ज़्यादा लंबी नहीं करना है हमें, ठीक है थोड़े से क्वेश्चन और हैं, तो जब जितने भी स्टूडेंट हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा भाई, और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कर रहे नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ऐसा लगता है कि भाई बस वीडियो देखते हैं उसके बाद उनको अच्छा नहीं लगता है तो वो चले जाते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये रहता है कि वीडियो पूरी देखिए, ठीक है तब अच्छा लगेगा। तो आंसर रहेगा थर्ड हैदराबाद, बिल्कुल सही है, यहाँ पर हैदराबाद रहेगा, जो कि किसी का आंसर नहीं आया है, कोई बात नहीं है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है तो इसको पढ़ सकते हैं आप, ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पूछ रहा है हमसे, मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मांझी जी बहुत बढ़िया हैदराबाद आया था, चलिए आंसर बताइएगा क्या रहेगा आंसर। ऑप्शन आ गया फोर, वेरी गुड एनीवन, कोई आंसर बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर, चलिए अनिल जी, मांझी, पांडे जी और अनिश जी, मुकेश जी, ओके सीमा जी, ऑप्शन डी आया है, तो भैया मिशेल बिचलेट, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया मिशेल बिचलेट रहेगा,
ओके चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस क्रम में व्यवस्थित करिए। ओके सही क्रम में व्यवस्थित करना है, सही क्रम में लगाना, ऑप्शन फोर पांडे जी बिल्कुल सही है, अनिश जी बिल्कुल सही था। अब आपको सही क्रम में लगाना है दीपक जी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आंसर बताइएगा। चलिए आंसर दीजिएगा, क्या रहेगा, सही क्रम में लगाना है, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन फोर आ रहा है, क्या आएगा, ऑप्शन वन आएगा, पहले राष्ट्रपति आएगा, फिर उपराष्ट्रपति रहेंगे, ठीक है, फिर रहेगा गवर्नर, और फिर उसके बाद उप प्रधानमंत्री, ठीक है, ये इसका ऑर्डर है, बिल्कुल सही ऑर्डर। यहाँ पर ऑप्शन वन अनिश जी बिल्कुल सही, पांडे जी बिल्कुल सही है, मुकेश जी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी तरंग केवल धरातल के पास ही चलती है, बतानी कौन सी तरंग जो है धरातल के पास ही चलती है, पी वेव, एस वेव, एल वेव, या इसमें से कोई भी नहीं। चलिए आंसर कमेंट करिएगा, ऐसी कौन सी वेव है जो धरातल, या फिर बोले हमारे जो धरातल होती सरफेस के पास ही चलती है, आंसर कमेंट करिएगा। ऑप्शन आ गया आई वेव्स, ओके आई वेव्स है, ओके एल वेव है, ठीक है। अनिल जी वन बोल रहे हैं, मांझी जी बोल रहे हैं आई वेव्स, एल वेव्स आएगा, मुकेश जी बोल रहे हैं एल आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एल, बिल्कुल सही है, एल बिल्कुल सही रहेगा भाई, एल रहेगा, एल थर्ड बिल्कुल सही है, एस नहीं रहेगा, एल रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे विस्तृत कृत्रिम झील कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, आंसर कमेंट करिएगा और बताइएगा ये कौन सी झील है। चलिए आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 है, आंसर बताइएगा क्या रहेगा। चलिए लीस बताइएगा फ्रेंड्स क्या होगा आंसर, ऑप्शन आ रहा है बी, वेरी गुड आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गोविंद सागर, बहुत बढ़िया। अनिल जी दीपक जी बिल्कुल सही है, मुकेश जी बिल्कुल सही है, अनिल जी बहुत बढ़िया। ओके कोलेरो लेक, कोलेरो लेक भारत की बतानी भैया, कोलेरो लेक बढ़िया, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर रहेगा गोविंद सागर, ठीक है, कोलोराडो नहीं रहेगा, गोविंद सागर बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर ये लिखी हुई है सबसे बड़ी, देखिए सबसे बड़ी सबसे विस्तृत कृत्रिम झील गोविंद सागर है, सबसे विस्तृत खारे पानी की झील की बात करें तो वो चिल्का झील है, ठीक है, ओके। चलिए क्लियर हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी सभी को, आई थिंक ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको अच्छा लगी वीडियो, तो फ्रेंड्स लाइक करेगा वीडियो को, शेयर करिएगा, और फ्रेंड सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर जितनी वीडियो देख रहे हैं अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और कोई भी मॉडिफिकेशन चाहिए, और कोई भी अगर ऐसा कुछ भी ऐसा चाहिए कि आपको कुछ ऐसी चाहिए चीज़, अगर रीजनिंग की वीडियो चाहिए आपको, मैथ का कुछ ऐसा टॉपिक चाहिए जो आपको पढ़ना है, वो एक्स्ट्रा वीडियो रहेगी, ठीक है। ऐसा कोई टॉपिक हो जो आपको पढ़ना है जीके जीएस का, तो मुझे जरूर बताइएगा, और कमेंट करिएगा कि हाँ आपको अच्छी लगी वीडियो। तो जय हिंद बिल्कुल मुकेश जी, और अगर वीडियो अच्छी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और फ्रेंड सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि सुबह 10 बजे और रात में 10 बजे, ठीक है, डेली वीडियो होती है, मैक्सिमम हम 10 बजे वीडियो कराते हैं, लेकिन हो सकता है कभी कभी 9:30 बजे भी वीडियो मैं करा दूँ, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन स्प्लिट हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। आपके लिए एक लिंक सेंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिंक है मैथ की वीडियो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वन लाइनर क्वेश्चन, ओके एफसीआई का एग्ज़ाम कैसे आता है भैया, एफसीआई का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन अनिश जी बोल रहे हैं, अनिश जी वन लाइनर क्वेश्चन जो है अभी थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है, एक दो दिन रुक जाइए, वन लाइनर क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, गुड नाइट बिल्कुल, ओके। चलिए अनिश जी वन लाइनर का आपकी इच्छा जो है एक बार मैंने पूरी करी थी, लेकिन आप जो है चाहे शायद कहीं पर गए होते, ठीक है, कोई बात नहीं है, थैंक यू वेरी, ओके कोई बात नहीं है, वेलकम सभी के लिए, और सभी से कहूँगा डेली वीडियो देखिए, ठीक है। आज जो है हमने स्पीड में क्वेश्चन करे, बहुत सारे स्टूडेंट ने सही सही आंसर दिए, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने आंसर सही सही दिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपने सही दिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, और सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।